नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेजबान भारत की टीम बुधवार को वेस्टइंडीज से दूसरे वनडे मैच में भिड़ेगी। चेन्नई में खेले गए पहले मैच में एक तरफा मात खाने वाली भारतीय टीम के सामने अब वनडे सीरीज में वापसी करने की चुनौती है। दूसरे मैच से पहले भारत के दीपक चाहर ने माना कि टीम ने पहले मैच में गेंदबाजी और फील्डिंग अच्छी नहीं की थी। चेन्नई की धीमी विकेट पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 287 रन का स्कोर खड़ा किया था। साल 2019 में शानदार प्रदर्शन करने वाली स्मृति मंधाना आईसीसी की वनडे और टी20 टीम ऑफ द ईयर में चुनी गई है। मंधाना के अलावा 5 और भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में जगह मिली है। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लेबुशन ने टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर वनडे टीम में भी एंट्री कर ली है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे पर आने वाले वनडे टीम में इस युवा खिलाड़ी को भी जगह दी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में अपना पहला मैच 25 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम भी इसी दिन अपने पहले मैच में रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता नीदरलैंड्स टीम के खिलाफ उतरेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।